हेलो दोस्तों, स्वागत है जानकार की एक और नई वीडियो में। आज हमारे सामने है टाटा पंच का सेकंड बेस मॉडल यानी कि प्योर रिदम वेरिएंट। एक्सोरूम प्राइस इसका है 6,25,000 रुपये। और आज की इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस कार के बारे में, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये और बहुत ही ज़्यादा सेलिंग है इसकी। मतलब अगर देखा जाए तो मंथली इसके लगभग 10,000 यूनिट सेल हो जाते हैं। और एक कॉम्पैक्ट साइज की एसयूवी कार है जो कि बहुत ही परफेक्ट है फैमिली के हिसाब से भी। और 2023 में इसमें जो अपग्रेड किए गए हैं वो सारे कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पहले से थोड़ी बहुत जो शिकायत थी वो सारी अब दूर कर दी गई हैं। तो सबसे पहले फ्रंट से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे टाटा का लोगो दिख जाएगा, पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक डिजाइन देखने को मिलती है और ट्राईओक्टर डिजाइन यहाँ पर मिलेगी। इस कार में ये चीज आपको भर भर के मिलने वाली है। बाकी हॉर्न भी आपको विजिबल है और यहाँ पर आपको इंडिकेटर लाइट वगैरह मिल जाती है। हेलोजन बेस्ड इसमें हेडलैम्प का सेटअप रहने वाला है। और ये देखिए फॉग लैम्प के लिए कटआउट वगैरह दिए जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर टोक के लिए जगह है। बम्पर पूरा ही ब्लैक कलर में है और यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं ट्राईओक्टर डिजाइन देखने को मिलेगी। बाकी कुछ इतना इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो ओवरऑल कुछ ऐसा इसका फ्रंट प्रोफाइल, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड सी डिजाइन लगती है एकदम। ये जो है ना चौड़ाई वगैरह भी अच्छी खासी मिल रही है। और साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो वो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्लैडिंग देखिए कितनी ज़्यादा ब्रॉड क्लैडिंग देखने को मिल रही है और व्हील आर्च पर भी क्लैडिंग है। टायर की बात करें तो इसमें सीएट कंपनी के टायर प्रोवाइड कराए जाएंगे। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो 185/70R15, तो 15 इंचेस के स्टील में अलॉयज आपको देखने को मिलेंगे। बाकी क्लैडिंग वगैरह भी देखने को मिल जाती है और ORVM पर आपको इंडिकेटर लाइट मिल जाती है। ये बॉडी कलर के मिलेंगे और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आएंगे, फोल्डेबल नहीं है, मैनुअली आप इन्हें फोल्ड करेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा क्लैडिंग देखने को मिल रही है। साथ में अगर पिलर बी देखें ब्लैक्ड आउट है, पिलर सी में आपको यहाँ पर हिडन डोर हैंडल मिल जाता है सेकंड केबिन के लिए। बाकी फ्यूल पिलर कैप यहाँ पर है। सो 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और रियर में लुक देख लीजिए कार का, कुछ ऐसा रहने वाला है। यहाँ पर आपको हाई माउंटेड ब्रेक लाइट मिलेगी, कोई भी डिफॉगर वाशर वगैरह नहीं मिलेगा क्योंकि ये सेकेंड बेस मॉडल है। बट यहाँ पर राइनो मिल जाएगा और वोकल फॉर लोकल का स्टिकर मिल जाएगा। बीच में यहाँ पर टाटा का लोगो, रिवर्स कैमरा, टाटा पंच की बैजिंग और यहाँ पर एक आपको रिवर्स लाइट मिल जाती है आई थिंक, और दो पार्किंग सेंसर मिलेंगे, एक और दो। तो ये चीज़ें हैं, बाकी रिफ्लेक्टर वगैरह है। और अगर आपको ये फ्यूल फिलर कैप खोल के दिखाएं एक बार तो ये देखिए यहाँ पे आप फ्यूल भरवा सकते हैं। बाकी E20 का भी सपोर्ट मिलेगा, पेट्रोल इंजन के साथ है, पहले डीजल में भी थी, अब ये पेट्रोल में अवेलेबल है। चलिए ये सारी बात हो गई एक्सटीरियर की, अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की। सो गेट ओपन करके देखते हैं, उससे पहले की दिखा दें। सो सिंपली ऐसी की मिलेगी, लॉक अनलॉक का बटन है और एक फ्लिप की मिल जाती है कुछ ऐसी। सो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बाकी फॉलो मी हेडलैम्प का बटन है। डोर ट्रिम देखिए कितनी ज़्यादा बेहतरीन है। उससे भी बेहतरीन बात है ये डोर देखिए 90 डिग्री खुला हुआ है, ये देखिए। सो एंट्री और एग्जिट कितनी बेहतरीन रहेगी, मतलब यहाँ से भागते हुए आओ, इधर से आर पार हो जाओ, इतनी बढ़िया आपको एंट्री मिलेगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सी ग्रे स्टोन मिलेगी और इस पर भी ट्राईओक्टर डिजाइन है, ये देखिए पैटर्न वगैरह बने हुए हैं। थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पर, पावर विंडो के लिए कंट्रोल है और ब्लैक कलर में आपको, ग्लॉसी ब्लैक कलर में आपको डोर हैंडल मिल जाता है। और यहाँ पर आपको ट्विटर मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है, बोतल होल्डर मिल जाता है। और ये देखिए सिटिंग पोस्चर का अंदाज़ा लगाइए आप कितना ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। मतलब सीट थोड़ी सी अपलिफ्टेड को है, तो अगर आप बैठेंगे तो रिक्लाइन एंगल आपका बहुत अच्छा रहेगा, जिस वजह से आपको सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी। और ये जो स्टिचिंग वगैरह है ये ब्लैक कलर की है, फैब्रिक का पोस्टर भी है, इस पर भी ट्राईओक्टर डिजाइन देखने को मिल रहा है। अच्छा ISO फिक्स सेफ्टी माउंट वगैरह भी दिए जा रहे हैं, सेफ्टी बेल्ट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। और बीच में कोई भी आर्म रेस्ट वगैरह नहीं है। इंटीग्रेटेड आपको ये हेड रेस्ट मिलेंगे, कोई भी एडजस्टेबल नहीं कर सकते आप। और ये देखिए फ्लोर है बिल्कुल फ्लैट है, तो यहाँ पर कोई भी हम्प नहीं है, तीन लोग बहुत आराम से बहुत कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। अगर हम बैठ कर देख लें इस कार में, कंफर्ट की कोई भी कमी नहीं है, नो डाउट। आप देखिए लेग रूम बहुत अच्छा है और साइड में देखें तो आपको क्रैब हैंडल मिल जाते हैं, एक इधर मिल जाता है, कोई भी रूफ लाइट नहीं है, छोटा सा केबिन है तो AC वेंट वगैरह भी नहीं है। फ्रंट का ये आप ऑन कर दीजिए, वहीं से ये काम कर देते हैं। बाकी पीछे की ओर अच्छा बूट स्पेस नहीं दिखाया, तो सेकेंड रो की ये बात होगी, ये सारी चीज़ें हैं भाई। बूट स्पेस देख लिया जाए, पों पों करेगा जैसे खोलेंगे इसको, किधर गया ये देखिए। ये टाटा की गाड़ी की एकदम पहचान, एक अच्छा एक टेक्निक है, क्योंकि अगर आप अंदर बैठे हुए हैं म्यूजिक सुन रहे हैं हाई वॉल्यूम में और कोई गेट ओपन करता है ये वाला, तो एक साउंड आ जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है और ये देखिए बूट स्पेस। सो लगभग 336 लीटर का आपको बूट स्पेस दिया जा रहा है। और पार्सल ट्रे मिल जाती है जो कि डिटैचेबल है, ओके, बढ़िया क्वालिटी की पार्सल ट्रे मिल रही है। 336 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है ट्रंक लाइट के साथ, ये देखिए ऊपर हिडन करके ट्रंक लाइट है। 1 kg की लोडिंग कैपेसिटी वाली आपको हुक मिल जाती है, एक इधर मिल जाती है। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मतलब गुलदस्ते वगैरह अगर आप ले जा रहे हैं, बोतल वगैरह है, यहाँ पे फंसा दीजिए। और ये क्या चीज़ है पता नहीं क्या है,
बाकी स्पेयर व्हील देख ले, ये रहा। तो स्पेयर व्हील आपको 15 इंचेस का ही मिलेगा, सीएट कंपनी का स्टील रिम के साथ स्पेयर व्हील मिल जाता है। ओके, सो इसमें आपको पंचर रिपेयर किट भी दी जा रही है, ये देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एमरजेंसी के टाइम पे, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रह सकती है आपके लिए। तो अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, प्रैक्टिकल यूज़ में देखा जाए तो काफ़ी डिसेंट सा स्पेस है। बाकी अंदर की चलें, अब ड्राइवर साइड डोर तो हम खोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर इसका बड़ा भाई खड़ा हुआ है, तो फिर भी ट्राई करेंगे अपन यहाँ से एंट्री लेने की। सो बॉडी कलर में ही आपको डोर हैंडल मिलेंगे और बस इतना ही ओपन होगा डोर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पावर विंडो के कंट्रोल हैं, सेंट्रल लॉकिंग वगैरह के कंट्रोल हैं, डोर हैंडल मिल जाता है, टटर मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM के कंट्रोल हैं, नीचे की ओर स्पेस मिल जाता है आपको थोड़ा बहुत, स्पीकर और टटर यहाँ पर भी मिलने वाले हैं। और सीट देखिए कुछ ऐसी रहने वाली है, तो इसमें लंबर सपोर्ट मिल जाता है आपको, अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत ही अच्छा है, फैब्रिक अपोस्ट्रोफी यहाँ पर भी है। ओके, सो नो डाउट काफ़ी अच्छे से आप इस पर बैठ पाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने वाले हैं फ्रंट केबिन में। यहाँ पर देखें तो आपको फ्यूलिड ओपन करने के लिए लीवर दिया जा रहा है, ABC पैटर्न में छोटे छोटे से पैडल हैं और एक डेड पैडल भी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप और मोड के लिए बटन मिल जाता है, AC वेंट मिल जाते हैं। सराउंडिंग देखिए आप, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है और जो कि काफ़ी देखने में बेहतरीन लग रही है। बाकी टेक्सचर वगैरह दिया जा रहा है। चलिए आप बैठ कर बात कर लेते हैं। सो अगर सीट कंफर्ट की बात करें भाई, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ड्राइवर सीट भी, अगर आपकी हेल्थ थोड़ी बहुत ज़्यादा भी है, थोड़े मतलब फैटी टाइप के हैं, तब भी आप इस पर बहुत आराम से बैठ पाएंगे। यहाँ पर देखिए नंबर सपोर्ट वगैरह इतना अच्छा मिल रहा है, इसमें एकदम फिट हो जाते हैं, कहीं भी जाने वाले नहीं हैं और बढ़िया। अब देखिए पूरा एडजस्ट कर लिया है। सो स्टेयरिंग व्हील देख लीजिए, सो ये सॉफ्ट टच के साथ है, कोई भी लेदर रैप वगैरह नहीं है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा फ्लैट बॉटम है यहाँ पर देखिए, और बीच में आपको टाटा का लोगो दिया जा रहा है। यहाँ पर हॉर्न मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं मिलेगा, वॉइस असिस्टेंट, टेलीफोनिक के कंट्रोल हैं और यहाँ पर मल्टीमीडिया के कंट्रोल मिल जाते हैं। साइड में आपको वाशर एंड वाइपर के लिए टॉगल मिल जाता है, इधर हेडलाइट लेवल के लिए टॉगल दिया जा रहा है, और सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। बाकी एक यहाँ पर भी ट्विटर है, वहाँ पर भी ट्विटर है, यहाँ पर भी ट्विटर है, पीछे के डोर में भी ट्विटर है, स्पीकर है, 4 स्पीकर, 6 टोटल लग रहे हैं इस कार में। बाकी वाइजर में देखें तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, और इधर साइड आपको टिकट होल्डर मिलेगा, मैनुअली डिमिंग IRVM है, ऊपर की ओर आपको रीडिंग लैंप मिल जाती है। सो यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत स्पेस इधर मिल जाता है। सो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है जिसपे की का साइन बना हुआ है, मतलब की आप यहाँ पर रख लें तो इसमें लगाएंगे क्या भाई, तो ये कुछ ऐसा है। और यहाँ पर आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाता है क्रोम टिप के साथ, कि 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन मिलने वाला है, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है एकदम सॉफ्ट टच के साथ। यहाँ पे आपको लेदर रैप्ड नॉब मिल रहा है। साइड में देखें तो ये सराउंडिंग पियानो ब्लैक फिनिशिंग में है। बाकी यहाँ पर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है, और फिजिकल बटन भी मिल जाते हैं। यहाँ पर USB पोर्ट है, 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है, थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पर। और डैशबोर्ड की थीम देखिए भाई, डुअल टोन में डैशबोर्ड है, कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत टेक्स्चर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हैजार्ड बटन और AC वेंट वगैरह भी काफ़ी देखने में अच्छे लग रहे हैं। 7 इंचेस का हरमन का यहाँ पर स्क्रीन देखने को मिल जाता है। अब बात करें ग्लो बॉक्स की, तो इसमें आपको नो डाउट बहुत ज़्यादा स्पेस मिलने वाला है। देखिए टाटा की हर कार में ग्लो बॉक्स में इतना जगह दे देते हैं कि मतलब पता नहीं क्या ही ले जाना हो इसमें। और ऊपर एक्स्ट्रा आपको केबिन मिल जाता है टैबलेट वगैरह रखने के लिए। सो ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, अब बात कर लेते हैं इसके क्लस्टर की। सो कुछ ऐसा क्लस्टर मिलने वाला है आपको इसमें। सबसे पहले आपको एक बार हैंडल एडजस्टमेंट दिखा दें, तो टिल्ट होगा एडजस्टमेंट, ये देखिए केवल टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिलने वाला है। चलिए अब की को लगा लेते हैं इसमें, और जो की कंसोल है वो इल्यूमिनेशन लाइट के साथ मिलेगा, जो रात में आपको इजी रहेगा। एक बार दिखा दें यहाँ पर, ये देखिए पूरा जल रहा है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है एनालॉग, और टैकोमीटर मिल जाता है। ऊपर की ओर आपको टाइम वगैरह देखने को मिलेगा, और फ्यूल वार्निंग देखने को मिल जाएगी। सिटी मोड और इको मोड दो मोड मिलेंगे। तो यहाँ पर बटन है, इसको चेंज करते हैं। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ओके ओके, सो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर दिखा रहा है, ऑडोमीटर दिखा रहा है, रेंज दिखा रहा है, और यहाँ पर माइलेज देखने को मिल रहा है, और इंस्टेंट माइलेज, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ पर टॉगल है, सो चेक करते हैं क्या क्या मिल जाता है। सो ऑडोमीटर है, ट्रिप मीटर है, ट्रिप बी, बाकी टाइम वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर बात करें इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, सो 7 इंचेस का यहाँ पर आपको हरमन का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है, जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और करंट ट्रिप, ये सारी मतलब व्हीकल इन्फॉर्मेशन भी आप इस कार में देख पाएंगे। बाकी टच रिस्पॉन्स इसका बहुत ही अच्छा है, ये देखिए ऑडियो सेटअप वगैरह देखने को मिल जाता है। अपने हिसाब से आप वॉइस की सेटिंग कर सकते हैं, फ़ोन सेटिंग, वॉल्यूम, व्हीकल सेटअप, ये सारी चीज़ें, पार्क असिस्ट। अच्छा, अगर आपको रिवर्स कैमरा की क्वालिटी चेक कराएं इसकी, तो वो देखिएगा एक बार आप। सो ये देखिए,
सो अडेप्टिव गाइड लाइन के साथ आपको कैमरा मिलेगा इसमें, ये देखिए। तो जैसे मैं स्टेयरिंग व्हील को घुमा रहा हूँ तो ये लाइन भी चेंज होती है, तो जिस वजह से आपको एक अच्छा बेहतर आइडिया मिल जाता है कि कार की जो पोस्चर है, कंडीशन है, वो किस तरह है। तो ये थीम भी चेंज कर सकते हैं आप इसमें, और ये देखिए करंट व्हीकल इन्फॉर्मेशन देख पा सकते हैं, नेविगेशन, ट्रिप समरी, ये सारी चीज़ें मतलब देखने को आपको इस कार में मिल जाएंगी। स्टैंडर्ड जो भी चीज़ें होती हैं कार से रिलेटेड वो सभी आप इसकी डिस्प्ले में देख सकते हैं। सो अगर म्यूजिक साउंड की बात करें तो इंस्टाग्राम पे रील डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन यूनिट की और इसमें क्या चेंजेस हैं उस बारे में। सो यहाँ से बोनट ओपन कर लेते हैं। ओके, सो काफ़ी भारी आपको बोनट मिलता है भाई, 5-star सेफ्टी रेटिंग ऐसी नहीं मिली है। और यहाँ पर देखिए डैम्पिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया तरीके से की गई है। सो इसमें आपको 1.2 लीटर का इंजन मिल जाता है, 3 सिलेंडर है, पेट्रोल इंजन मिलेगा आपको, 86 bhp की पावर मिल जाती है और 115 nm का टॉर्क मिल जाता है। सो अब बात करें अपडेट की, सो इंजन को काफ़ी ज़्यादा अब रिफाइंड कर दिया गया है, पहले जो NVH लेवल था वो अब इम्प्रूव कर दिया गया है। साथ ही अब माइलेज आपको इसमें बेहतरीन देखने को मिलेगा, पहले आपको लगभग 18 के आसपास देखने को मिलता था, अब इसमें आपको 18 से 20 के बीच में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट अपग्रेड ये है कि आपको अब इस कार पे 3 साल तक की वारंटी मिल जाती है, 1,00,000 किलोमीटर तक। तो यही सारे अपग्रेड हैं जो आपको इस कार में देखने को मिलने लगी। माइलेज अच्छा मिलने लगा है, इंजन पावर बढ़ गई है, टॉर्क बढ़ गया है और वारंटी बढ़ा दी गई है। साथ ही सेफ्टी की बात करें तो इसमें ABS EBD देखने को मिलेगा, ISO पे एक सेफ्टी माउंट मिल जाती है, क्रैश सेंसर देखने को मिलेगा और 2 एयरबैग भी देखने को मिल जाएंगे, और 5-star सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है इसने ग्लोबल NCAP के टेस्ट में। सो ये सारी चीज़ें आपको 2023 टाटा पंच में मिलने वाली है। स्पेशल थैंक्स टू मुद्गल मोटर, आपको अगर इस कार से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या बुकिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आप शोरूम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शोरूम की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी ये 2023 टाटा पंच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही कार्स एंड बाइक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। सो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू वीडियो टाटा पंच को लेकर, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।